आनंद रहिए दुल्हन, आनंद रहिए। आज बड़ी हलचल मचाते हुए मुझे कह रहे हैं कि खुशी मनाइए। ऐसी क्या खुशी आ गई दुल्हन? आई खुशी मनबे वाला समय छे तो खुशी नहीं मनेबे? एक बात जाने छे, ऐसी कौन सी दिन है के समय है? अच्छा लगे छे खोल के कह पर दुल्हन, मुझे कुछ मालूम नहीं है तो कहिएगा, नहीं तो मैं कैसे जानूंगी? अगर नहीं जानती है तो मैं जना देता हूँ। सिटी की आते मारे चाहो, वो माइक सिटी लेता है। अच्छा दुल्हन, आज तो अनर्थ भ रहल। अनर्थ? बाप रे बाप, जुलूम गप छी। जाने छी क्या हुआ? छोटकी दुल्हन जे छे अपन, हां वकरा त बच्चा है वाला। क्या? अरे बाप रे बाप, अहां नहीं जाने रही? मेरी छोटी गोतनी नौ महीना की गर्भवती है। गर्भवती जे बाप रे बाप, हाँ ये बला छे सारे। हाँ मेरे देवर बाल ब्रह्मचारी आज का गर्भवती है। हे बाल ब्रह्मचारी, अहाँ का पता नहीं है? अगर जो कहे वो बच्चा पैदा भए जेते, एगो बात और कह दे, अगर बच्चा पैदा होते ठीक है, कहे जो लड़की भए गेले तो वकरा जे छे महबा किला राज में रख लेने छे। जत्ते वकर बेदरा से लेके बियाह शादी तक में खर्चा हेते उ हमें देब। अहां के सोचे नहीं पर ये सच बोल रहे हैं कि मेरी बड़ी गोतनी गर्भवती में है? बाप रे बाप, अहां से हमरा मजाक हर करे में छिए? हम अहां से मजाक कर? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, यकीन करियो, हम सच कहे छे। अगर एमे चूक जेबे तो हम भारी फेराम पड़ गए, बुझलिए? कहे जो लड़की हेते ना तो ओकरा छोड़ दे। अच्छा हाँ, आ कहे जो लड़का भए गेले ओकरा सीधा खलास कए देबे। किया हमरा राज में, ए महबा किला राज में हमरा एगो पोता छबे के ले इंदल से। हाँ दुल्हन, अगर एगो खेत में जो दू गो आए हुए, ई बढ़िया गप छे। ये तो असंभव बात है। ऊ काम नहीं होले देना छे। अगर कहे बेटा भए गेले तो वकरा कन्हे खदा खुचा में फेंक देबे, जंगल में जाके बाघ हरिन खा जे, बुझली? अच्छा समय पे आ गए मामू जी। मामू जी हाँ, यही सोचेगा अगर मेरी गोदनी ने अपने गोद में बेटा खेला लिया तो सोना रानी आपके बेटा को हत्या कर देगी। अच्छा, इसलिए एक दिन की बात है कि मेरे बेटा नादान था कि मेरे देवर ने कनबज में उसका नाम लिखाया था। हाँ, इधर मेरे स्वामी के दिल में आया है अभिलाषा, लग गया कि मेरे जीते जिंदगी में अगर मेरा भाई मेरे सामने में राजगद्दी पर बैठ जाए कुछ दिन के लिए तो मेरे दिल की अभिलाषा मिट जाएगा। मेरे देवर ने राजगद्दी पर बैठा हुआ था। अच्छा, बड़ी भी सभा लगी हुई थी, मेरे स्वामीनाथ नीचे में बैठा हुआ था। अचानक उसी टाइम में इंदल सिंह स्कूल से पहुंच गया। अच्छा, वह समय बच्चा था, नादान था, बुद्धि उसे कम था, ये सोचा कि मेरे पिता को राजगद्दी से उतार के चाचा खुद को बैठा हुआ है। वही गुस्सा के मारे इंदल उसको भरी हुई सभा में उसे प्रणाम पाति नहीं किया। अच्छा, नहीं करने के बावजूद देवर नाराज हो गया, मुझे बुलाकर कहा। मैंने कहा कि आप उसे छोड़ क्यों दिए? आपके पास कमर में लंगी तलवार था, वो तलवार उठा के उसे कत्ल कर देता। सोना रानी खामोश रहती, एक लफ्ज में उठा के बोलता,
मैंने अपने बेटा को बोला कर कहे कि तुमने ऐसा गलती क्यों कहा। उन्हें बेटा कहा मुझसे माँ मुझसे भूल हो गई, चाचा को बोला दे मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूंगा। अच्छा बच्चा देखियो कत्ते बढ़िया सोचलक। मैंने देवर को बोला कर उसके सामने में खड़ा कर दिया और मैं कह दिया कि देवर मुजरिम बाप के सामने में है, इसे सजा दीजिए या जान से मार दीजिए मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ कह लिया। हाँ मामू जी क्या बताऊ मामू जी, सैकड़ों कोड़ा मेरे इंदल की बदन पर गिराया, मैं अपनी नजर से देखती रह गई। तवज कुंडल खोल लिया देवा पंडित और रुदल सिंह मिलकर मैं जुबान खामोश रही। अरे बाप रे बाप केना यहाँ का बर्दाश्त करेल गेल रे, बाप रे बाप जुलूम। लेकिन मेरे सामने मरो चालन दे के गया मेरे कानों की बाश कि इंदल सिंह तुम कान खोल कर सुन ले, आज अभी इसी वक्त मैं जा रहा हूँ तुम्हारे से सुंदर बेटा का जोड़ा लगा। अरे बाप रे बाप आए बेदरा से गलती भले ते इतने भारी गप बोल देते। उसी टाइम में मेरे पास बदले की आग सुलग गई, बिजली छिटक गई। उसी टाइम मैंने सोच ली कि ठीक है रुदल सिंह दुनिया से टकराया तू जीत गया, लेकिन सोना राणा से टकरा कर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि उस बच्चा को गायब करने के अच्छा उपाय बताए हैं, समझ गए मामू जी, लेकिन साथ आपको भी देना पड़ेगा। हमरो साथ दिया पर तहाब ते यहाँ खातिर लहार हमेशा तैयार है जी। आ टेंशन किया लीजिए, जिस टाइम अगर मुझे कोई जरूरी पड़ जाए आवाज लगाऊंगी हर से चलेगी। हमें क्वांटा में बैठा रहे और हमें जखन यहाँ का जरूरी पड़ते आहा के मामू जी हद हमेशा तैयार रह। लेकिन ई मौका के दुल्हन हुसै ले नहीं देबे, अगर ई मौका कहें हुस गेल तो यहाँ बड़का फेरा में पड़ गए। सोना रानी शतरंज की चाल चलती है, दाया देखा कर बाया मारती है। अच्छा जिसे मोहरा कहता है। हाँ, वो मैं तो हमार पुतो पर तेज बैर लगाए। इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, सारी व्यवस्था मैं कर लूंगी। हाँ मामू जी ठीक है, देख कब करू ने आप हमारा की यहाँ झूठे हैरान कर अपने बुद्धि आयल छे ने सब काम कह ले किया कारण की छे हमरो बुढ़िया के पेट झरे छे जा पर ते करती ओकरो दवा सुया दिलवावे पर के बुझलिए। चाहिए चाहिए मामू ठीक छे ने आ तहां सब चीज कह ले क्या तो देखे पर तेरे बुढ़ारियो में छे ने बुढ़िया तो हमरो हूब छे के छे बुझलिए आ नै रहते त कतो भी लला भेल भुर। ठीक है छे हम जाय छे ठीक है मामू। अरे तब महाराजा दया वकीला आओ नहिया कुरिया के चाहे वाले बाबा है कहियो में मिलाए राम मंदिर मंदिर को जाना है आबाद खाई
योगिये तुलारिया के धनी शोभना हमार अखली सुरतिया के हम देखा बाउ तोहर
खुश है, खुश रहे डगरी। रानी जी डगरी, आज डगरी को याद किया आप? हाँ, तुम्हारी जरूरत क्या है? सूरी साजना। हाँ रानी, आज हमारे घर में ऐसी जरूरी पड़ गई कि मेरी छोटी गोतनी को बच्चे की दर्द हो रहे हैं। क्या? छोटी रानी को? हाँ, उसे जितना जल्द हो उतना जल्द सूरी सजा कर उसे बच्चा निकासी कर दे। जो तू मांगेगी मुंह मांगी इलाम दूंगी। झूमते हुए यहाँ से तू अपनी चंपापुर को चली जा रही। ठीक है रानी मैं।
रानी जी देखे चौपट घामे घाम भाग लेगे। रानी जी बहुत परेशानी उठाना पड़ा की कर भी वीर को वीर तो सब कुछ में है छन जे पूरा कथि छिए गे लड़का हुआ रानी जी लड़का छिए हां कैसन छिए गे अच्छा है राजा साहब के हमर देवरसन के छन गे हां बिल्कुल राजा साहब आगे भक्ति सन के नाग सुगासन